कि यहाँ ये 25 साल पुराना एक निर्मल टॉयलेट निर्मल शौचालय है। इसी रोज लोग गिरते हैं, चैम्बर खुले रहते हैं, कभी भी हादसा हो। कमिश्नर साहब से बहुत उम्मीद करते थे कि कमिश्नर साहब इस मामले में ध्यान दें, इनको साफ करने बोलो तो ये बोलते कि हमको 100-200 रुपया 300 रुपया। ये जो काम करने वाले वर्कर है इधर सब खराब है, गंदा पानी में आदमी गिर गया टाकी के अंदर, पूरे रोड पे पानी। बड़े मियाँ गिर गए थे, करीब 70 साल की उम्र थी। साफ सफाई तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ। आए दिन पानी बहते रहता है बाथरूम का, हर आए दिन कुछ ना कुछ मसले रहते ही। अभी बीच में टाकी खुल गई थी, उसमें एक आदमी गिर गया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपए खर्च स्वच्छता के नाम पर किए जा रहे हैं, तो वहीं पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका स्वच्छता की धज्जिया उड़ाती हुई दिखाई दी। विशेष तौर पर हम आपको ले चलते हैं दृश्य दर्शाने के लिए भिवंडी के शांति नगर, जहाँ पर भाजी मार्केट क्षेत्र में पिछले 25 साल पुरानी एक शौचालय जिसकी खस्ता हालात से वहाँ के स्थानीय राहगीर मार्केट के जो व्यापारी हो काफी परेशान है। हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के शांति नगर की, जहाँ पर निर्मल शौचालय के नाम से इस शौचालय को जाना जाता है और 65 सीट वाला यह शौचालय मात्र 5 सीट पर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस शौचालय में इंसान कम जानवर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शौचालय की खस्ता हालात पर कई बार वहां के स्थानीय नगर सेवक ने आवाज उठाने का कार्य किया, लेकिन महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। ऐसे में हमारे चैनल की टीम वहां पर पहुंची और इस शौचालय का दृश्य अपने कैमरे में कैद करने का कार्य किया, तो जहां पर आप देख सकते हैं कहीं पर टूटे दरवाजे, कहीं पर दीवारों पर दरार, और साथ ही साथ इस शौचालय पर आप देख सकते हैं एक वृक्ष यानी कि पेड़ उगाया। और हमारे चैनल की टीम ने वहां के स्थानिकों से बातचीत की तो एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि कुछ दिन पहले ही वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति शौचालय के लिए गया हुआ था, तो शौचालय का टैंक खुला होने के कारण वो बुजुर्ग उसमें गिरता है। जिसके बाद हम आपको बता दें कि जो शौचालय जो है महानगर पालिका के माध्यम से एक संस्था को दिया गया, उस संस्था का नाम निर्मल बताया गया। वहां के ना तो कोई कर्मचारी और ना ही कोई व्यक्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने के लिए आया। जहां पर स्थानिकों को जब इसकी सूचना मिली, इसकी जानकारी मिली, तो स्थानिक भाग दौड़कर उस व्यक्ति को बचाने का कार्य किए। आप देख सकते हैं कि शौचालय के आसपास के क्षेत्र में कितनी गंदगी है। इस गंदगी से इस मार्केट में जो रोजाना हजारों की संख्या में खरीदारी करने के लिए लोग आते हैं, उन्हें भी इस बदबू के कारण काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। हमारे चैनल के संवाददाता ने वहां के स्थानीय नगर सेवक, जिन्हें समाज सेवक के रूप में जाना जाता है, अबू सुफियान से मुलाकात की, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कई बार महानगर पालिका में उन्होंने पत्र दिया, लेकिन महानगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। संडास बहुत इनसे खराब है, 40-50 संडास है, मगर उसमें 10 पंच चालू बस, खाली बस, सब बंद है, सब बंद है, सब खराब है, गंदा पानी बहता है। कोई आता नहीं, बोलो तो आते नहीं कोई। कितने दिनों से तकलीफ है आपको? ये 4-5 साल से। हाँ, साफ नहीं है, सिर्फ 2 संडास है, बाकी पूरी संडास बंद है। तकलीफ क्या है? तकलीफ बास आती है, संडास साफ नहीं करते, पानी बहता है सब इधर। हाँ, संडास का पानी रोड पे बहता है। मेरे आदमी गिर गए टाकी के अंदर, पूरे रोड पे पानी पानी हो गया। कैसे शौचालय से? हफ्ता भर पहले अभी एक बड़े मियाँ गिर गए थे, करीब 70 साल की उम्र थी, वो कुंडी के अंदर पूरा गिर गए थे। वो दोनों हाथ ऐसे उनके बाहर थे और गर्दन बाहर थी, तो मोहल्ले के छोकरे जाकर उनको बाहर निकाले। यहाँ के कर्मचारी काम में लगे हुए थे, देखे उन्होंने, लेकिन यहाँ तक के आकर बाहर बताया भी नहीं कि आदमी गिरा हुआ है, ताकि उसकी मदद की जाए। वक्त पे फिर सब छोकरे पहुँचे यहाँ के और उन्होंने उनको खींच के बाहर निकाला। उसके बाद में वो तबीयत उनकी कैसी है कैसी नहीं, वो अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर कैसी मतलब? साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ है, बिल्कुल नहीं है। रूम में तो इतनी तकलीफ है कि बताया नहीं जा सकता। इधर पर इतनी तकलीफ आती है, हर आए दिन पानी बहते रहता है बाथरूम का, हर आए दिन कुछ ना कुछ मसले रहते ही। अभी बीच में टाकी खुल गई थी, उसमें एक आदमी गिर गया, उसको तो अच्छा हुआ मोहल्ले के कर्मचारी मोहल्ले के लोगों ने सब बचा लिया उसको, नहीं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता था उसका। में तो इतनी ख़राब गंदगी रहती है, ना कोई साफ़ करता है ना कुछ। यहाँ मुतरी है, कई महीनों से धोया नहीं जाता है उसको, पानी जाता है, घर में बास आती है ने? और इनको साफ़ करने बोलो तो ये बोलते कि हमको 100-200 रुपया 300 रुपये। ये जो काम करने वाले वर्कर है इधर के, हाँ, पैसा चाहिए। आपके टीवी चैनल माध्यम से मैं नगर पालिका को और कमिश्नर को बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये 25 साल पुराना एक निर्मल टॉयलेट
निर्मल शौचालय है जो एक ब्यूटी तत्वावर ये संस्था चलाती है। ये 25 साल से इस संस्था ने आज तक इस टॉयलेट के पीछे कोई रिपेयरिंग में खर्च नहीं किया। ये टॉयलेट एकदम इसका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो चुका है, इसके ऊपर झाड़ उग चुके हैं। ये 65 सीट का टॉयलेट है लेकिन इसमें मुश्किल से 5 सीट टॉयलेट चालू है। अब परिस्थिति ऐसी है कि रोज़ लोग गिरते हैं, चैम्बर खुले रहते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा जान का नुकसान हो सकता है। इस संबंध में मैं तकरीबन 3 साल से कंटिन्यू लेटर दे रहा हूँ लेकिन कमिश्नर साहब और इसके जो भी चलाने वाले जो भी नगर पालिका में इसके अधिकारी है इस पर उनका कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी ताल्लुक से मैंने जब मालूम लिया तो पता चला कि ये नगर पालिका के जो अधिकारी है ये जो ब्यूटी पे जो टॉयलेट चलते हैं नगर पालिका टॉयलेट चलते हैं इस पर इनको हफ्ता वसूली होती है और हर महीने का ये हफ्ता लेते हैं, इसलिए इन टॉयलेट पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी ब्यूटी पे जो टॉयलेट चलते हैं इसका उसूल ये है कि ब्यूटी पे चलाने वाला ही उसको देख रेख करे, उसकी रिपेयरिंग करे, उसका देखभाल करे, उसमें खर्च करे, उसमें नगर पालिका नहीं कर खर्च नहीं कर सकती, ऐसा कानून है। लेकिन दरअसल हुआ ये है पिछले साल 2019 में ये टॉयलेट की एकदम बुरी कंडीशन देख के नगर पालिका ने अपने फंड का नगर पालिका का और 14 वित्त का 5 लाख रुपया इसमें लगाया है लेकिन कंडीशन टॉयलेट के जैसी की वैसी है। अभी हम कमिश्नर साहब से बहुत उम्मीद करते थे कि कमिश्नर साहब इस मामले में ध्यान देंगे लेकिन कमिश्नर साहब जो है नगर पालिका के टॉयलेट पे ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटी वालों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हमने कई मरतबा इस पे लेटर लगाया है कि आप लोग इस टॉयलेट को जितनी भी वार्ड में KGN चौक पे टॉयलेट है, KGN स्कूल के पीछे टॉयलेट है, भाजी मार्केट में टॉयलेट है, इसका ठेका रद्द किया जाए और नया संस्था लाई जाए और इसको रिपेयरिंग करके नए तरीके से अच्छे से चालू किया जाए। यहाँ पब्लिक जो है अवाम जो है आए दिन मेरे घर पे मोर्चा लेके आती है टॉयलेट ख़राब होने की वजह से, बड़े बूढ़े हैं, महिला है, बहुत परेशान है, बच्चे परेशान है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और देश भर में चल रहा है स्वच्छता अभियान के तौर पे कहीं पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन ये ब्यूटी तत्वावर जो दिया गया है इसके देने की वजह से ODF जो चालू है ODF चालू ही रहेगा। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भिवंडी में स्वच्छता अभियान का नाम मात्र होगा, बाकी इसके ऊपर ब्यूटी वालों पे पूरे भिवंडी में कार्रवाई की जाना चाहिए क्योंकि ये हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में रहती है इसकी संस्था और यहाँ अपने कामगार रख के पैसा वसूलते हैं और इन लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं, इन लोग कोई यहाँ रिपेयरिंग और पब्लिक का अवाम के ताल्लुक से उनको कोई फिक्र नहीं है। हरियाणा में, दिल्ली में बैठ के इन लोग संस्था वाले अपना पैसा वसूलते हैं और ऑनलाइन पैसा ले लेते हैं और यहाँ कामगार दूसरे काम करते हैं। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज़ TV न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।